वेब सीरीज फिल्म रंगबाज की शूटिंग इन दोनों टीकमगढ़ में हो रही है और नेता से अभिनेता बने पूर्व विधायक के की श्रीवास्तव जी मेरे साथ हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि नेता से अभिनेता बनने का उनका जो रहा है रोल वो, और दूसरा जानेंगे कि रियल लाइफ से रियल लाइफ में कैसी ज़िंदगी बिता रहे हैं वो। ऐसे बताएं कि जो फिल्म वेब सीरीज में आप नेता से अभिनेता बने हैं तो क्या फिल्म की भूमिका में हैं और क्या रोल है आपका? नरेंद्र भाई, पहले से ही कहता रहा हूँ, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुषाण पुच्छहीना ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती। ये तो जीवन के सुखद अनुभव हैं। हम राजनीतिक क्षेत्र में भी सामाजिक क्षेत्र में भी उतनी अपनी परफेक्टता के साथ, उतने ही अपने दृढ़ संकल्प के साथ हम मैदान में भी काम करते हैं, जनता के बीच में भी काम करते हैं, और अगर साहित्य और संगीत को भी हमें जीना है तो उसको हम उसको भी अपने तरीके से हम जीते हैं। ये रंगबाज वांटेड जो फिल्म बन रही है टीकमगढ़ में, हमारा ये था कि कुछ नया हम करें, बम्बई की टीम यहाँ आए, यहाँ पर लोगों को लेकर आए, कलाकार आए, यहाँ शूटिंग हो। तो मेरा जो बेटा है वो आजकल शूटिंग सीख रहा है बम्बई में, और मेरे जो साले साहब हैं संजय खरे, वो वहाँ बहुत पहले से एडिटिंग के मामले से जुड़ करके, और एक हमने रामेनो डिजिटल ऐप बनाया है जिसके ऊपर वेब सीरीज़ का ये यहाँ फिल्मांकन शुरू होगा है, और रामेनो डिजिटल ऐप हमारे साले का है, तो मिलकर के हमने इन सबको यहाँ आमंत्रण दिया और ये सब लोग आए तो हमें अच्छा लग रहा है। और क्या है पटकथा इसकी? पटकथा एक रियल घटना पर आधारित है, लगभग कुछ स्वाभाविक है कि फिल्म है तो कुछ कथानक रुचिकर बनाने के लिए भी जोड़े जाते हैं, लेकिन रियल घटना है जिसका मूल है ये। एक तो राजनीति में किस तरीके से अपराधीकरण बढ़ा है, किस तरीके से राजनीति लोगों का उपयोग करके और उनको माने षड्यंत्र करके मिसयूज कर लेते हैं नौहोनहार लोगों का, ये इस तरीके की एक पूरी थीम है। इसमें दो बाहुबली विधायकों का पूरा एक किस्सा है और आपस में झगड़ा ये सब पूरा चल के, तो एक बाहुबली विधायक की भूमिका में मैं हूँ। तो ठीक है, अभी कितने एपिसोड शूट हो चुके हैं? ये लगभग आज लास्ट है, आज हम कितने दिन चली है शूटिंग टीकमगढ़ में? ये 20 दिन चली। तो मुख्य भूमिका में कौन रहेंगे, आप रहेंगे? ना, मैं तो एक किरदार निभा रहा हूँ। मुख्य भूमिका के हिसाब से तो राज बब्बर के बेटे हैं आर्य बब्बर, वो इसमें भूमिका अदा कर रहे हैं। एक अमिका है जो हीरोइन का रोल अदा कर रही है, देव शर्मा है वो इसमें हीरो हैं, एक अर्चना सिंह राजपूत है, एक वरुण सिंह है, ऐसे कई कलाकार इसमें हैं। अब लंबा चौड़ा किरदार भी मिलता है किसी को और कोई दो मिनट में भी अपनी छाप छोड़ देते हैं। चलती हुई लीला। दूसरा सवाल आता है जी कि आजकल भारतीय जनता पार्टी की जो बुंदेलखंड का है या टीकमगढ़ का है उसमें लगातार लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि के भाई साहब रियल भाजपा से रियल लाइफ में बता रहे हैं समय, तो क्या इसको क्या माना जाए, पार्टी की क्या माना जाए? देखिए, के श्रीवास्तव किसी की कृपा किसी की दया, इस पर ना तो मैंने सार्वजनिक जीवन जिया है ना इस पर कभी सार्वजनिक जी, मैं तो परिक्रमा से मैंने राजनीति की नहीं, मैं पराक्रम पर भरोसा करता हूँ, जनता के आशीर्वाद का भरोसा करता हूँ। आज सरकार हमारी चल रही है, अब मैं किस भूमिका में रहूँ? सरकार हमारी चल रही तो हम झंडा लेकर के विरोध की भूमिका में रह नहीं सकते। लेकिन आपको तो संगठन का कार्यकर्ता कहा जाता है, कार्यकर्ता से आपका संगठन का जीवन शुरू किया है। इतना बड़ा परिवार हो गया है, इतना बड़ा परिवार, लेकिन अचानक कार्यक्रमों से दूर रहना? नहीं, मैं बिल्कुल कार्यक्रमों से दूर नहीं, कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं है जहाँ नहीं जाता हूँ। परिवार बड़ा है इसलिए स्वाभाविक रूप से नए काम में लोग लगे हैं, और हम भी जब जरूरत लगती है, मध्य प्रदेश में सरकार बदलने की जब जरूरत थी तो करारा विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी मुझे ही दी गई थी, तो मैं भरोसे का कार्यकर्ता हूँ, तभी तो दी गई थी ना। तो आज भी मैं भारतीय जनता पार्टी की भरोसा ऐसा बिल्कुल मत सोचे, और जो सोच रहे हैं वो गलत फहमी में है, ये तो चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है लोगों की। क्या माना जाए कि अभी भी शक्ति राजनीति में हूँ? अब मैं उम्र हो गई क्या, मैं अभी बाबूलाल गौर की उम्र में थोड़ी पहुंचा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। हमारे साथ थे पूर्व विधायक के श्रीवास्तव, जो नेता से अभिनेता बने हैं और फिल्म रंगबाज वांटेड में एक किरदार की भूमिका में आपको नजर आएंगे।